तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। बीजे माई में चल रहे हैं अभी काफी सारे चेंजेस एंड उसी के ऊपर आज एक मेजर अपडेट है। एंड साथ ही मैं आपको बताऊंगा अब फाइनली नियो किस डेट को लाइव आएंगे। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हैं टीम गोल्ड लाइक के ड्रॉप चेंज के बारे में। अब बीजेएस के टाइम पर गाइस हमने काफी बार नोटिस किया टीम गोल्ड लाइक हमको एक ही मैप पर काफी सारे ड्रॉप पर जाती हुई दिख रही थी। एंड इसके बाद गाइस जब एक्सपीरियंस प्लेयर रोबिन लाइव आए थे वो भी ये चीज को एक्सप्लेन किए थे कि क्यों एक टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता है एक मैप पर एक ही ड्रॉप रखना। बट आज ये चीज के बारे में टीम गोल्ड लाइक के प्लेयर एडमिनो बात किए कि वो क्या रियल रीजन है जिसकी वजह से हमको टीम गोल्ड लाइक का अलग ड्रॉप देखने को मिलता है। एंड क्या हमको ये चीज बीजेएमआई के नेक्स्ट टूर्नामेंट बीजेएमएस में भी देखने को मिलेगी। आप देखिए, एक परमानेंट ड्रॉप फिक्स कर लो, ये परमानेंट ड्रॉप फिक्स करने से वही सीन है, समझ रहे हो, बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाएगा बहुत सारी टीम्स के लिए कि इनका फाइट इधर ही हो रहा है, फिर वो भी ट्रैप्स इधर, बहुत देखते हैं अपन, ट्राई कर रहे अभी तो चीजें, मतलब टाइम नहीं उतना ट्राई करने का, बट फिर भी एक परमानेंट ड्रॉप साउंड्स गुड, बट क्या कर सकते हैं, यस बेस्ट लूट के मामले में बेस्ट है, लेकिन जब हम जाते हैं और ड्रॉप बन जाता है वो सात आठ टीम आ जाती है, 16 की लॉबी में भी सात आठ टीम यशनाएं कूदती है बैठ जाती है, क्या और जिसको जिसपे जिस ड्रॉप पे कॉन्फिडेंस है उसपे खेलेंगे। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मान्या के रिलेटेड। तो गाइस, मान्या की एक फ्रेंड है बाय द नेम आलू का पराठा, जिनके साथ हमको मान्या लाइव स्ट्रीम पर भी काफी बार खेलते हुए दिखते हैं। एंड इन दोनों के बीच में कोई एक पर्सनल मैटर हो गया होगा जिसके बाद हमको आलू पराठा की तरफ से कुछ अपडेट्स देखने को मिले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मान्या के रिलेटेड वो ये लिखी चीट इज गोना चीट हियर और इन बीजेएमआई। एंड फिर नेक्स्ट एक स्टोरी में वो ये लिखी थी होप यू गेट व्हाट यू डिजर्व यू चीटर इन गेम एंड अदरवाइज। अब जैसे कि गाइस वो बीजेएमआई के साथ में एक वर्ड यूज की चीटर, इसके बाद काफी लोग को ये लगने लगा कि क्या वो मान्या के पास एलिगेशन के बारे में बात कर रही हैं, जो कि गाइस अगर आपको याद होगा तो एक यूट्यूबर ने लगाए थे एंड ये वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। तो फिर ये चीज पर अपडेट करते हुए मान्या की फ्रेंड आलू का पराठा अगेन ये लिखी किसी भी तरीके से मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ कि पास में उसने गेम के अंदर चीटिंग की थी। देन अपने एक और स्टेटमेंट में ये कहे कि कल भी मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि मेरे को नहीं पता अगर उसने पास में गेम में हैक किया है। बट इसके बाद गाइस वो स्नेल का नाम यूज करते हुए ये लिखी इवन ये चीज के बारे में मेरे को स्नेल ने भी कॉन्टेक्ट किया था, जहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आई माइट हैव समथिंग टू शेयर रिलेटेड हैकिंग। देन इसके बाद गाइस हमको स्नेल की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली ये स्टेटमेंट को शेयर करते हुए वो ये लिखे कुछ लोगों को फेम लेने की और अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों पे ब्लेम डालने की बहुत गंदी बीमारी है। एंड इसके बाद जब आलू का पराठा ने खुद अपने स्टेटमेंट में चीटिंग वर्ड का यूज किया है, एंड इसके बाद जब मैंने दीदी को टेक्स्ट किया तो अपनी इमेज बचाने के लिए हमारा नाम डाल के कूल बन रही। एंड इसके बाद स्नेल की तरफ से एक और स्टोरी देखने को मिली थी, वो भी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड गाइस, मान्या के बारे में बात कर रहे थे तो नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सोल मान्या एनएस पावर के बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में गाइस मैंने आपको बताया था, जहां पर हमको एक न्यूज सुनने को मिल रही थी कि क्या अब एस पावर टीम सोल का पार्ट नहीं रहने वाले हैं। पहले इसके बाद गाइस काफी टीम सोल के फैंस इसके बारे में सोच रहे थे क्योंकि एस पावर का हमको एक मेजर रोल देखने को मिलता है। देन इसके बाद हमको मान्या की तरफ से एक मैसेज देखने को मिला था, जहां पर वो ये लिखे सोल्जर्स टेंशन मत लेना मैं सब संभाल लूंगा। एंड गाइस इसके बाद हमको बीजेएमआई मैचेस में मान्या की तरफ से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली। फिर इस पर रिएक्ट करते हुए मेजी भी ये लिखे नो वन इवन क्लोज टू मान्या आइजलिंग हो या फ्रैगिंग ऑन फायर। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल में खेलने वाले ट्रायआउट्स के मैटर के बारे में। तो गाइस, मान्या एंड आलू का पराठा के बीच में एक पर्सनल मैटर होने के बाद हमको आलू का पराठा की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली थी, जहाँ पर टीम सोल के ट्रायआउट्स के रिलेटेड वो ये लिखे सोल ट्रायआउट्स आर टू प्लेयर्स एनिग्मा सोम्या एंड आरजी हंटर्स, ज्यादा चांसेस आरजी हंटर्स के हैं। बट गाइस, अगर हम हंटर्स के बारे में बात करें तो वो ऑलरेडी टीम रेकनिंग ईस्पोर्ट्स के साथ में है। तो इसके बाद हमको रेगनिंग ईस्पोर्ट के ओनर की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला, जहां पर वो ये लिखे वाइपर एंड हंटर्स कहीं भी नहीं जा रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में अभी भी 7 महीने हैं, तो चिंता की बात नहीं है, बट हाँ हमको पता है कि हंटर्स ने टीम सोल के साथ में ट्राई आउट दी है विदाउट परमिशन एंड नाउ वी आर एक्टिवली लुकिंग एट मेकिंग श्योर एवरीथिंग गोज बाय द बुक। बट गाइस, इसके बाद ये सेम प्लेयर आर जी हंटर्स की ओल्ड इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल होने लगी, बेसिकली जहां पर वो ये लिख दिए थे ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज बीजीएमएस। इसके बाद गाइस काफी लोग आरजी के ओनर को ये लिखने लगे फिर हंटर्स ने वो स्टोरी क्यों अपलोड करी थी। देन इस पर रिप्लाई करते वो ये कहे कि वो स्टोरी को इमीडिएटली डिलीट कर दिए थे जब हमने उनको बोला था, उनको रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता था। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नियो के बारे में। तो गाइस, फाइनली नियो की तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिली, जहां पर वो ये रिवील कर दे कि 10th ऑफ जुलाई को अब वो वापस से लाइव आने वाले हैं। देन इसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम से एक रील को शेयर किए थे, जहां पर ये लिखा हुआ है स्पीक द ट्रूथ इवन इट हर्ट्स बट नेवर स्पीक लाइक
दैट सीम्स ट्रू। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है गॉड लाइक जेली के रिलेटेड, जो भी निकल कर आती है मेजी की तरफ से। तो गाइस जेली के रिलेटेड मेजी अपने ट्वीट में ये लिखे, फ्रॉम द मोस्ट सक्सेसफुल अंडरडॉग आईजीएल टू मोस्ट स्ट्रगलिंग आईजीएल। उम्मीद करता हूँ ये बीजीएमएस जेली के लिए अच्छा जाए। एक बार वापस से कहता हूँ, अगर एक प्लेयर टीम को जिता नहीं सकता तो वो एक प्लेयर टीम को हरा भी नहीं सकता है। एंड गाइस जेली के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई एक जन एडमिन को जेली एंड पंक के रिलेटेड पूछे कि क्या हमको टीम में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, तो इस पर रिप्लाई करते हुए एडमिनो ये कहे, देखो यार वो भी अडेप्ट कर रहा अभी कुछ चीजें, वो देखते हैं अपन। बाकी रोस्टर सबमिट हो चुका है और आई डोंट थिंक सो में अभी चेंजेस के नीड हैं, देखते बाकी अपन ये वाला बीची ये मुश्किल के। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कार्निवल गेमिंग के रिलेटेड। तो गाइस लेट्स ग्रो ईस्पोर्ट की तरफ से हमको एक ट्वीट देखने को मिला, जहां पर वो ये लिखे कि सोर्सेज के अकॉर्डिंग एस पावर कार्निवल गेमिंग में दिखेंगे, इनकी प्लेइंग फॉर होने वाली है ओमेगा, गोब्लिन, एस पावर एंड नियो। बाय द वे कार्निवल गेमिंग के रिलेटेड गाइस रोबिन भी बात किए थे, अब देखिए। एनी चेंजेस इन सीजी? चेंजेस होंगे, डन है उसके लिए, डन चेंजेस, चेंजेस है सीजी की लाइनअप में, इतना बोल सकता हूं। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्लियर बोल रहा हूं, लीक वीक भी नहीं है सीजी की लाइनअप के अकॉर्डिंग, कंफर्म कोई लीग भी कुछ नहीं है। एंड गाइस अभी एस पावर गेटेड बात कर रहे हैं तो वो हमको देखने को मिले गॉड लाइक एडमिनो की चैट में, जो कि अभी थोड़ा वायरल जा रहा है, जहां पर फनी वे में एडमिनो एस पावर को ये बोल रहे हैं कि भाई गॉड लाइक बूट कैंप आ जाओ। क्या हालचाल है एस पावर? यहां पे तो उसको छोटी बुलाया जाता है, छोटी बच्ची हो गया एस पावर ओपी। एस पावर का प्यार तो है भाई, आ जा एस पावर अब बूट कैंप आ जा फटाफट से, तेरे को खूब सारा प्यार देना है। कॉल भी आ गया इसका, रुक 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 स्पीकर पे करता हूँ क्या, हाँ किया सब किया, स्पीकर पे करता हूँ रुक। अई क्या लीक हो गया बेस पावर, अब लीक हो गया ना, अबे कॉल ही काट दिया। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मॉर्टल की तरफ से। तो गाइस मॉर्टल बात किए अपने न्यू गोल के रिलेटेड, जो कि वो अचीव करना चाहते हैं जब उनको 10 साल हो जाएंगे स्ट्रीम करते हुए। आई होप मुझे वो पेस मिल जाए, ठीक है 10 साल ऑन यूट्यूब से पहले हमें 10 मिलियन पहुंचना है। 10 साल ऑन यूट्यूब मतलब 10 साल ऑफ में स्ट्रीमिंग करियर, जो नवंबर में अभी 6 साल हो जाएंगे मेरे को, ठीक है 10 साल में 10 मिलियन हमारा टारगेट रहेगा, लेट्स गो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं शैडो की न्यू टीम के बारे में। तो गाइस फाइनली वशिष्ठा ईस्पोर्ट्स की तरफ से हमको एक पोस्ट देखने को मिला, आप देख सकते हो। अब उनकी फ्यूचर लाइनअप में हमको देखने को मिलेंगे अपोलो, शैडो, सीक्रेट एंड विक्स की, जिस पर वो ये लिखे कि बीजेएस में हमारी स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट के बाद वी आर रेडी टू टेक थिंग्स टू अ होल न्यू लेवल, एंड ये बस केवल एक शुरुआत है, इसके रिलेटेड थ्रिलिंग अपडेट्स आती रहेंगी। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है निंजा बॉय के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है मवी की तरफ से। तो गाइस प्रीवियस एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, जहां पर कुछ लोग ये बोल रहे थे कि क्या हमको निंजा बॉय टीम सोल में देखने को मिल सकते हैं, तो ये चीज पर उनके टीममेट्स मवी बात किए, अब देखिए। पाजी अब न्यूज़ है कि निंजा जा रहा है सोल में, यार क्या कर रहे हो बे तुम लोग क्यों किसी की बातों में आ रहे हो, तुम लोग क्यों किसी को फ्री में व्यूज दे रहे हो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमएस के रिलेटेड। तो फाइनली गाइस नॉटविन बीजीएमएस की डेट को रिवील कर दिया, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि शुरू होने वाला है 19th ऑफ जुलाई से शाम को 7 बजे। एंड इस बार ये हमको कोई एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं देखने को मिलेगा, इधर ऑन स्टार स्पोर्ट्स या फिर यूट्यूब। अभी काफी लोग इसके रिलेटेड खुश है क्योंकि इस बार ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। एंड गाइस फिर बीजीएमएस में कुछ फेवरेट टीम्स के रिलेटेड मेजी बात करते हुए ये कहे, अगर किसी तुम्हारी फेवरेट टीम को नहीं मिलता वहां पर, हाँ तुम्हारी फेवरेट टीम को वहां स्लॉट नहीं मिलता तो निराश मत हो, क्योंकि वो इवेंट है वो इवेंट वैसा है, तो जिसको मिला उसको मिला, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। बीएमपीएस आने वाला है तो बीएमपीएस पे फोकस करें, वो ज्यादा अच्छी बात है। नहीं और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है रेगल्टोस की तरफ से। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि रेगल्टोस अब बीजीएमआई में कमबैक कर रहे हैं, एंड न्यू मेटा के बारे में तो गाइस आपको पता ही है डीबीएस कितनी चलने लगी है, तो इस पर रिएक्ट करते हुए रेगल्टोस ये कहे, भाई ओजी रहेगा चाहिए एकेएम पे तेज गल, भाई एकेएम पे तेज गल कह रहे हो, मैं कल क्या हुआ, मैं एकेएम एक बराबर में फाइट हो रही थी, एक बंदा वॉल्ट करके, तो कम से कम डिफरेंस रहेगा एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड तक का, ठीक है भाई मैं एकेएम से क्रॉस कर, जब तक उस पे ले गया सबको डीबीएस चिपका दी, भाई भाई तुम सोच रहे हो मेरे से एस्ट्रल का चल गई थी कल एक सैनक में, बट डीबीएस भाई बॉयकॉट डीबीएस भाई, हाँ भाई बॉयकॉट डीबीएस भाई, भाई एस्ट्रल के इज बेस्ट भाई, हाँ भाई आई थिंक सो एस्ट्रल के इज बेस्ट गाइस आई थिंक सो भाई, नाम मर्द वाली गन कहता हूँ मैं डीबीएस को, तुम लोग क्या नाम देते हो बहन, जो मिसाइल है यार भाई, गेम के अटैचमेंट में एक ऑप्शन ले आओ ना वो कॉइन से खरीदने की लॉन्चर वाली, उसके अंदर लॉन्चर लगा के लॉन्च कर दो उस गन को, चार बंदे खड़े हो बीच में मार दो डीबीएस में चारों डाउन,
टाइम ही वेस्ट करना है इतना। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट के रिलेटेड। तो फाइनली स्काउट की नेक्स्ट पिक वीडियो का हमको ट्रेलर देखने को मिला एंड इसकी डेट को भी वो रिवील कर दिए जो की होने वाली है July 8। तो उसका ट्रेलर यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो चैलेंज ऐसा है कि एक बड़ा सा चैलेंज, उसके अंदर हमारे 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, बट सिंपल सा है रूल कि जो बंदा लास्ट में सकल छोड़ेगा उस बंदे को प्राइज मिलेगा। अब प्राइज क्या है? 1,00,000 रुपीज और एक PS5। और इसमें जो मेजर ट्विस्ट आने वाला है, हर एक घंटे में सर्कल छोटा होगा और जब तक सर्कल छोटा होगा उसमें कुछ चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस कुछ भी होगा, हम हर एक घंटे का एक एक नया नया चैलेंज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और गाइस नेक्स्ट एक ई-स्पोर्ट्स से अलग न्यूज है, हम लोग बात करने वाले हैं आईएसओ स्पीड के बारे में। तो गाइस कल था यूरोपियन चैंपियनशिप में पोर्चुगल एंड फ्रांस का मैच, जिसको पोर्चुगल पेनल्टी के टाइम पर हार गए। एंड ये मैच था गाइस क्रिस्टियानो रोनाल्डो का लास्ट यूरोपियन चैंपियनशिप मैच। इसके बाद अपने लाइव स्ट्रीम से स्पीड काफी इमोशनल दिखे। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।